नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिफ काकवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के नीमच जिले में, जो कि राजस्थान से सटे बॉर्डर पर स्थित है। अगर मैं मालवा और निमाड़ क्षेत्र की बात करूं तो लगभग 66 सीटें इन दो क्षेत्रों में आती हैं, और खास करके ये कृषि आधारित पूरा का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर लहसुन, प्याज, गेहूँ, अफीम एक बड़ी खेती है, और यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं। आपको अगर ध्यान हो कि 2017 में मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले में किसान एमएसपी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के द्वारा गोलियां चली, इसमें 6 लोग मारे गए थे। उसको लेकर के पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ और देश में उसमें लेकर के चर्चाएं हुई थी। तो मैं उस क्षेत्र में अभी पिछले एक हफ्ते से दौरा कर रहा हूं, लोगों से चर्चाएं कर रहा हूं, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की सरगर्मियां हैं चुनाव को लेकर के। देखिए, हमारे मुद्दे रतलाम क्षेत्र का आसपास पूरा किसानों से रिलेटेड है। रतलाम का पूरा मार्केट भी किसानों से चलता है, तो हम तो किसानों के मुद्दे पर चुनाव को देख रहे हैं। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाई, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हम 2600 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, जो किसानों की कर्ज माफी बाकी है वो करेंगे, 5000 तक का बिजली बिल वो माफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस बार हमें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ताकि किसानों की आय दुगनी होने में कुछ लाभ हो। तो अभी चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो सर अपन अभी चुनाव है तो अपन सर शिवराज सिंह चौहान को जिताएंगे, क्योंकि जो स्थानीय उम्मीदवार है उनसे कुछ ग्रामीण नाराज भी है कि ये अच्छे नहीं है, परिवार साहब ये नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व है ना अपना शिवराज सिंह जी चौहान, उनको जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भाजपा के उम्मीदवार को जिताएंगे। क्या मुख्य वजह होंगी उनको वोट करने की? जिताने की सर मोदी जी ने अपने किसानों के लिए सर 6000 रुपये वार्षिक, यानी हर 4 महीने में 2000 रुपये, और शिवराज सिंह चौहान ने भी 2000 रुपये हर 6 महीने में 2000 यानी कि 4000 देना, और किसानों को बिना ब्याज का ऋण देना। मेरे पास सर 1,20,000 का ऋण है, जिसमें सर 15-16,000 का खाते बाकी नकद मिलते हैं। तो एक साल तक अपने को वापस जमा करा दो, कोई ब्याज कुछ भी नहीं लगता है। और दूसरा है अपने बिजली के बिल हाफ हो गए, और बिजली बिल हाफ भी हो गए कोई दिक्कत नहीं, पूरे भी लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली व्यवस्थित मिल रही सर 10 घंटे यानी कि 10। इस तरह से सरकार की नीतियां बनी हुई है, उन नीतियां का क्रियान्वयन सही से हो नहीं पाता है। यहाँ का मालवा का गेहूं बॉम्बे में नाम से बिकता है, लेकिन गेहूं के रेट आप जब देखोगे मंडी में तो 1500 से लगा के 2000 रुपए तक होता है। आज की तारीख में अगर आप उसका लागत जोड़ेंगे तो 2500 से 3000 गेहूं बिके तभी उसकी लागत निकल पाती है, लेकिन सरकार एमएसपी 2100 रुपए देती है। सरकार को कहीं न कहीं फसलों का मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा, वरना आने वाले 5-10 साल में कृषि से आज भी किसान विमुख हो रहा है और आने वाले दिनों में और विमुख होता जाएगा। प्याज पे कोई नीति नहीं है, जब प्याज का थोड़ा सा रेट बनता है तो सरकार कहीं न कहीं टैक्स या आयात निर्यात का खेल खेल लेती है और उसको दबा देती है, बिचौलिए कमा लेते हैं। जब 2-4 दिन का रेट आता है तो किसान तो मेजर 1-2 ट्राली ही लगा पाता है मंडी में, लेकिन जो स्टॉकर हैं वो अपना माल बाहर निकाल के कमा लेते हैं, लेकिन किसान के हाथ में वही चीजें जीरो हो जाती है। लहसुन का आप देखिए, पिछले 3 साल से किसान लहसुन फेंक रहा था, इस बार थोड़ा सा भाव मिला है कि तो, लेकिन किसानों के पास लहसुन नहीं है। अगर प्याज ही की बात करें तो बता रहे थे कि 800 रुपए क्विंटल बेचा था जून जुलाई में, 500 रुपए क्विंटल तक बिका जी। मैं आपको बताऊं, इस मंडी में 500 रुपए क्विंटल से 1000 रुपए क्विंटल तक बिका है, और ये रेट कम से कम 2 से 2.5 महीने रहे, क्योंकि किसान को तो माल बेचना है, उसके पास रखने की जगह नहीं है, बारिश सर पर आती है वो कहाँ रखेगा, और उसको मार्केट में भी पैसा देना है। तब मीडिएटर लोग इसको कम रेटों में खरीद कर अपना स्टॉक कर लेते हैं, और जब 20-25-30-40 रुपए होता है तो वो बरसात के बाद तब वो माल निकालना चालू करते हैं, और जब थोड़ा सा भाव बढ़ता है तो यही राजनीतिक दल के लोग, पहले स्मृति ईरानी जी माला पहन के आ जाती है, आज रागिनी नायक माला पहन के आ जाती है, लेकिन उस समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई भी दल उसका समाधान नहीं करता। इस बार कांग्रेस ने एमएसपी देने का वादा किया है गेहूं और धान पर, उसके अलावा आप कह रहे हैं जैसे 1,20,000 आप पे कर्ज है, वो 2 लाख के कर्ज माफी की भी बात कर रहे हैं, उसके अलावा वो बिजली माफी की भी बात कर रहे हैं, तो इन सब घोषणाओं को आप कैसे देखते सर? बिजली माफी सर पहले अपन ने देख चुके सर, पहले बिजली माफ करी, थोड़े दिन करी और बिजली का बंटाधार कर दिया। बिजली माफ हमें चाहिए नहीं, आधे बिल हम दे रहे हैं और आधे बिल में हम खुश हैं।
और दूसरी बात है सर एमएसपी की, तो एमएसपी पहले है ही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम गेहूँ पहले ही तोलने गए, वेयर हाउस में पहले ही तोले हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य। कितने पहले सर हमने तोले ना, हर साल तोल रहे सर, जो 2021 जो भी भाव रहता ना उस टाइम हम तोलते आ रहे हैं। अभी तो तेज हो गया लेकिन निकालते टाइम ये 2100 और बोनस भी आया था हमने तोले थे जी। और सर इनका जो कर्ज माफी का वादा पूरा ढकोसला है, ये 10 दिन का पहले इन्होंने बोला था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन इन चोरों ने किया नहीं किसानों का कर्ज माफ, और किसानों के साथ धोखा किया है। और 15 महीने इनकी सरकार रही ना तो भी इन्होंने कर्ज माफ नहीं करा, और जबकि इन्होंने बोला था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे या फिर सीएम का चेहरा बदल देंगे, इस टाइप से बोला था लेकिन किए नहीं। और उस बार भी हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, उस बार भी शिवराज जी को ही दिया था, लेकिन इनकी जो बातें सारी नकली झूठी साबित हुई। सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, तो क्या हुई है आय दोगुनी? आय दोगुनी नहीं हुई है, हमारे लागत जो है वो तिगुनी हो गई है। जिस प्रकार से सरकार एमएसपी 50-100-150 रुपए क्विंटल गेहूं की बढ़ाती है, उस हिसाब से आप 2014 में जो डीजल रेट था तब सरकार 3% सूद लेती थी, आज डीजल रेट पे 33% सरकार सूद लेती है, तो हमारी जो लागत है वो 4 गुना बढ़ गई है, और आय तो हमारी वो 150 रुपए 1% 2% जो बढ़ती रह रही है लगातार वही बढ़ रही है, उससे हमें नुकसान हो रहा है। केवल ये एक झूठ का पुलिंदा फैला रखा है इन लोगों ने कि आय डबल हो गई। अगर आय डबल होती तो आज हमारा गेहूं 5,000 रुपए क्विंटल बिकता, आज हमारा सोयाबीन 10,000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए था, लेकिन नहीं, आज हमारा चना 8,000-9,000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए था, वो अभी 5,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, गेहूं हमारे 2,500 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत तेजी से ग्राउंड पकड़ रहा है और लोगों के अंदर उसकी चर्चाएं बढ़ रही हैं, इसी को देखते हुए दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों उन्हें अपने पाले में लेने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जो कि 18 साल से सरकार में है, उन्होंने धान और गेहूं पर 2700 और 3100 रुपए एमएसपी देने का वादा किया है, उसी के साथ साथ कृषि सम्मान योजना के तहत जो मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम के साथ मिलाकर 10,000 मिलते थे उसको 12,000 बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कर्ज 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी, बिजली माफी, उसके अलावा 2700-2500 रुपए और 2600 रुपए एमएसपी धान और गेहूं पर देने का वादा किया है। अब देखना यह होगा कि किसान कांग्रेस के साथ जाता है या बीजेपी के साथ, ये सिर्फ रिजल्ट ही बताएगा। एक सबसे बड़ा कदम जो कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि 25 लाख रुपए तक का समूचे मध्य प्रदेश के लोगों का इलाज मुफ्त, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर है उन्हें सिर्फ 900 रुपए साल का बीमे का की राशि का भुगतान करना होगा और 25 लाख रुपए तक का इलाज उनका मुफ्त होगा। बड़ी घोषणा ये है कि 2600 रुपए हम गेहूं का समर्थन मूल्य और 2500 रुपए धान का तत्काल देना प्रदाय करना प्रारंभ कर देंगे और 3,000 रुपए तक उसको लेकर जाएंगे, ताकि जो इनपुट कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25,000 रुपए हेक्टेयर तक बढ़ा दी है उसमें कम से कम राहत मिले और उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल पाए। 500 से 1500 रुपए स्कूली बच्चों को हम देंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक, ताकि जो हमारा 9 लाख इनरोलमेंट हमारे कम हो गए मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, उस पर एक निर्णायक भूमिका कमलनाथ जी ने ली है। आज जो युवा मध्य प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को व्यापम के माध्यम से 23 भर्ती परीक्षाओं में ठगा गया, उसके लिए हम तुरंत आयोग का गठन करेंगे, पारदर्शी तरीके से जांच कराएंगे और दंडित करेंगे। न सिर्फ दंडित करेंगे, आने वाली परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए एक हम परीक्षा कैसे पारदर्शी तरीके से हो इसका प्रबंधन का वचन भी हमने दिया। किन रणनीति को क्या बातें जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? हम जनता के बीच बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यदि भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई है तो वो है विकास के काम, और हमारे क्षेत्र में किसानों का किस प्रकार से कृषि के और आयामों को, सिंचाई के रकबों को कैसे बढ़ाया जाए, सिंचाई के संसाधनों को कैसे और बेहतर किया जाए, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार किस प्रकार से और रोजगार की ओर लाया जाए, उद्योग के क्षेत्र में कैसे काम किया जाए, यहाँ पर शिक्षा पर भी हमारी सरकार का बड़ा जोर है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे काम और हम पूरे गांव तक प्राथमिक व्यवस्थाएं पहुंचाने के लेकर हम इन मुद्दों को नीचे लेकर जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपने करी कि भाई कहीं ना कहीं खाद को लेकर लोगों के मन में प्रश्न है, निश्चित रूप से हमारी सरकार हमेशा से, आपने देखा होगा इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो लोगों ने खाद यूरिया को लेकर इतनी तड़प होती थी कि मुश्किल से 100 लोगों के बीच में एक कट्टा मिलता था। अभी लाइन की जो परेशानी आपने बताई कि कई लाइनें लग रही है कई, तो वो कई तकनीकी रूप से कुछ विभागों की चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है
और निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी कर्मचारियों की यदि कमी है तो उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी अभी लगातार वाचिंग कर रहे हैं। सभी कलेक्टरों को वो लगातार इस बात को लेकर निर्देशित कर रहे हैं कि भाई किसान को समय पे खाद मिले। हम लोग भी जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में, हम भी वहां जाकर देख रहे हैं कहीं कुछ तालाबाजारी करने वाले लोगों ने या अन्य लोगों ने कुछ यदि वहां पर गड़बड़ करी है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूं किसान बिल्कुल परेशान न हो। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव है जिसके परिणाम की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। अब देखना यह होगा कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज यह है कि जो सीटें वो 2018 में जीत पाए थे क्या वो दोबारा जीत पाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। 7 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को चुनाव में उतारा है इस उम्मीद के साथ कि कुछ सीटों में बढ़ोतरी होगी। पिछली बार उन्हें 109 सीटें मिली थी और वोटिंग परसेंटेज भी उनका ज्यादा था कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन सीटों में वो कम थे। तो इस बार पार्टी की कोशिश है कि उन वोटिंग मार्जिन को कम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और जो केंद्रीय मंत्रियों के जरिए और बाकी मुद्दों के जरिए फिर से सत्ता में यहाँ पे 5वीं बार वापस आए।